अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, तो मैं आज आपको वैसे बताने वाला था ये कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास एक कल्टस है जिसको मैंने बड़े प्यार से रखा हुआ है, बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ है। तो काफ़ी दिनों से मेरे से बहुत दूर थी। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी गाड़ी के कुछ काम थे, हम उसकी गाड़ी का थोड़ा सा रिस्टोरेशन करवा रहे थे। तो उस दौरान उसको गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको अपनी गाड़ी दी, कल्टस। काफ़ी दिन उसके बगैर मैंने गुजारे हैं, तो मुझे उसकी याद भी बहुत आई, मैं उसको मिस भी बहुत किया। बट अभी ये है कि आज इंशाल्लाह ताला उसकी गाड़ी मिल जाएगी मेरे दोस्त की, और कल्टस मेरे पास वापस आ जाएगी। तो देखते हैं कल्टस की क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं। तो एक बार तो उसको, मतलब पहले तो मुझे पता है कि सर्विस लाजमी करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग भी करवाते होंगे, हर कोई करवाता है, बट मेरा थोड़ा सा सर्विस करवाने का, गाड़ी धुलवाने का, वॉश करवाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में जाता हूँ उसकी, तो वो चीज़ें मैं देखनी होती हैं। तो अब इसने हमदा ने करवाई भी होगी उसकी सर्विस वगैरह, बट आई एम नॉट श्योर कि अकॉर्डिंग टू माई पैरामीटर उसने वो करवाई हो। तो बहरहाल वो देखते हैं अभी हम थोड़ी देर तक कि क्या गाड़ी की सूरत हाल है। तो जनाब हमारी कल्टस आ गई है जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो ये हमारे दोस्त ले गए हैं, इनकी अभी हम गाड़ी चल के देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है, और हमारी गाड़ी की ये सूरत हाल है फिलहाल, ये आप देख सकते हैं। मेरी इस्तेमाल होती रही है, तो हो जाएगी ठीक। मेरे पास आ गई है, तो इसको वापस इसकी असल हालत में लेके आते हैं, प्यारी कल्टस। हम इधर लेफ्ट जा रहे हैं। सस्पेंशन चेक करने के लिए बेहतरीन रोड है भैया। अगर आप स्पीड में गुजारेंगे 0 मीटर गाड़ी है, तो वो भी सस्पेंशन अभी खोल ज्यादा पकड़ा देगी। ए जी हमजा, ये सिटी तो लगाया नहीं इसने, वो इसने नहीं लगाना ना यार, ये कलर का फर्क ना जरा है। चल जाने दे, आगे खड़ी करना गाड़ी पे उतर के देखते हैं। ले जी हमदा की गाड़ी, वो फर्क नहीं है, धूप है, धूप। हाँ फर्क भी है थोड़ा सा। ये फर्क है ना, वो सारी बात है, पेंट हुआ ना, नहीं तो कंपाउंड होगी सारी गाड़ी। हाँ इधर से भी देखेगा, इधर से भी फर्क है हमका, ये भी देखेगा, ये भी फर्क है। नहीं तो वो तो उस्मान ने पहले ही कहा था ना, उस्मान ने कहा यार साढ़े साढ़े तो पेंट करवा लो, इतने इतने करो तो फर्क रहेगा। काफी दिनों के बाद कल्टस स्टीयरिंग व्हील में बैठा हूँ, तो अच्छी वाइब्स आ रही है। ये भी बड़ी बात होती है कि आप पुरानी छोटी गाड़ी में बैठे, लेकिन आपको पुरानी वाली वाइब्स ना आए, फील ना आए, आप अल्टस चला के कल्टस में बैठे, आपको मज़ा आए, तो अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ दी हुई है। तो ये हमदा की गाड़ी, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस इसके थोड़े से पीछे डिक्की में कारपेट्स वगैरह सेट होने हैं, तो अभी हम वही करवाने जाएंगे। वो करवाने के बाद फिर हम सर्विस स्टेशन पर जाएंगे। गाड़ी देख रहे हैं आप, इसकी अगली लाइट्स तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो मैंने पिछली लाइट्स के बारे में इसको कहा था कि वो भी हम करवा लेते हैं, इतनी महंगी नहीं होंगी, सस्ती होंगी। अगर ये गाड़ी मेरी होती तो मैं इसकी लाजमी जो है वो लाइट्स करवाता पिछली भी, लेकिन चले उसकी चीज़ है, उसको जितनी पसंद है उसने इतनी करवा ली, मेहरबानी उसकी, मेरी इतनी राय उसने मानी, मुझे लगता था कि इसकी गाड़ी के काम होने चाहिए तो करवाएँ। अक्सर दोस्त जो है ना, उनको उनको बस यही होता है कि अशद काम करवाए गाड़ी का, क्योंकि एक तो मेरे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन अच्छे हैं, कुछ ये है कि मैं जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ, लोग फूड एक्सप्लोर करते हैं, मैं मैकेनिक्स को, डेंटर्स को, पेंटर्स को एक्सप्लोर करता हूँ,
तो उससे ये होता है कि मेरा ताल्लुक बन जाता है, जब काम होने होते हैं तो मेरे इजीली काम हो जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक डेंटर के पास, तो उसके भी कुछ चार पैसे बन जाएंगे, तो जाके देखते हैं कि अब कितना सा काम है, कितनी देर में वो करता है। लें अब हम अपनी अल्ट्रस लेने के लिए जा रहे हैं ऑफिस से, क्योंकि सिटी हमने दे दी डेंटर को ताकि वो उसके कारपेट फिक्स कर दे, और कल्टस हमने दे दी सर्विस स्टेशन पे। अभी दोबारा हम आपको अल्ट्रस में बैठ के एक बार फिर मिलते हैं और दिखाते हैं अल्ट्रस। ये लें जी, ये भी गाड़ी अपनी है माशाल्लाह, ये भी अपनी है, और वो जो पीछे आपको दिख रही है जो छुप के खड़ी हुई अल्ट्रस, ये भी अपनी है। तो ये तो रात की रेडी हुई है ज़रा, तो ये भी आपको पता है पेंटर के पास हो गई, इसके टायर वगैरह सारे गंदे हैं, बॉडी साफ़ है क्योंकि बॉडी के ऊपर हमने अभी कंपाउंड करवाई है, क्योंकि वो गाड़ी है वो कम्प्लीट अभी सर्विस हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो भी हमारी बिल्कुल नई लकोर हो जाएगी। अभी गाड़ी आगे निकालेंगे साइड, ये बम्पर इसका है पेंट होने वाला, इसको मैंने खुद नहीं करवाया, मैं लाइट की चेंज करवानी है, जनरल लाइट लगवानी है इसको, तो फिर दोनों लाइटें कैसी हो जाएंगी, तो हम इसका बम्पर भी ठीक करवाएंगे। काका की हाल है? अलहमदुलिल्लाह। ये देखें फिर डिक्की हमने रेडी करवाई अंदर से। हमजा यस, तो सिटी के जो आपके काम करवाए हैं गाड़ी के, पेंट शेंट करवाई है, क्या कैसी लग रही गाड़ी की, तसल्ली है उसकी? अभी तक तो तसल्ली है, आप देखते हैं कि एक हफ्ते बाद जो थोड़ा पेंट का रिजल्ट है मैच जो है। असल में ना हमने गाड़ी के दरवाजे, दो दरवाजे जो है ना वो पूरे पेंट नहीं करवाए, तो मखसूस पार्ट से पेंट करवाए हैं, तो जिसकी वजह से पुराना पेंट और नया पेंट मैच नहीं कर रहा, मतलब वो थोड़ा सा डल है, पुराना गंदा है, एक नहीं है, तो वो हमने कंपाउंड भी करवाई काफ़ी, उसकी मिनिमाइज किया उस फर्क को, बट अभी मज़ीद वो हो जाएगा, तो हमदा बस उसी डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तो गाड़ी की मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ना ये फिल्टर्स गाड़ी खड़ी, शोर ज़्यादा होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। ये मेरी कल्टस है और ये अल्ट्रस है, ये दोनों साफ तैयार हो गई हैं, रेडी हैं, हम लगे सिटी रेडी कर रहे हैं। इसका मैंने इंजन भी वॉश करवाया क्योंकि इंजन काफ़ी गंदा था, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा साफ सुफ करना पड़ा हमें, तो हमजा इस साइड से फ़र्क की बात कर रहा था, बट ये एक दो मरतबा वॉश होगी गाड़ी का फ़र्क निकल जाएगा। एक इसको मैंने कहा शीशे टेंट करवा लो, इसने शीशे अभी तक टेंट नहीं करवाए, वो भी जल्दी करवा लेंगे, लेकिन आप गाड़ी की एक लुक चेक करें, गाड़ी के पैनल दोनों पेंट हुए हैं, गाड़ी का बम्पर पेंट हुआ है, तो गाड़ी की डिक्की अंदर से हमने साफ़ करवाई है, तो काफ़ी गाड़ी का अच्छी लुक निकाल आई है। अब ये रही हमारी कल्टस जो काफ़ी दिनों से मेरे से दूर थी, तो इसकी एलईडी आपको पता मैंने रिमूव करवाई थी पिछले दिनों, क्योंकि मेरा सेल करने का इरादा बना, तो मैंने महंगी एलईडीज़ लगवाई थी, मैंने किसी और गाड़ी के लिए रख ली। तो बाकी ये मेरी गाड़ी है, अफ्तारी का टाइम है, सड़कों पर रश कोई नहीं, मैं रोड के बीच में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, बोनट खुला रहेगा, मैं बोनट बंद कर दूँ। इंटीरियर चेक, गाड़ी मेरी इस तरह ही रहती है मोस्टली, ये मेरा स्टाइल है, चलो जी मैक्सिमम जितनी तो काम गंदी हो गाड़ी। अभी अल्ट्रस हम खड़ी कर रहे हैं उधर ही लियाकत भाई के पास, क्योंकि अल्ट्रस की हमें ज़रूरत नहीं है सच, तो ये हम ले आए हैं, तो इसका अब देखते हैं रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो रोज़ा इफ्तार होते वक्त जो ये मामला होते हैं सड़कों के ऊपर सन्नाटे छाए होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, और सुकून माहौल, बंदा ना बंदे की ज़ात, मुसलमानों को जो है ना, मुसलमान को मनज़म नहीं है यार, मसला ये है, मतलब कि अभी ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त है, लोग शोर शराबा नहीं कर रहे, लोग कोई स्पीडिंग नहीं कर रहे, लोग कोई जल्दी जल्दी निकल नहीं रहे, ठीक है, तो नज़्म व ज़ब्त तो किसी भी कौम में हो तो वो उस कौम का हुसन होता है, उस कौम की ग्रेस होती है, तो
मैं ये समझता हूँ कि देखें मतलब पुरसकून तरीके से लोग जा रहे हैं जो है रोड के ऊपर, चंद एक होंगे जो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है यार। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इवन जमात के लिए हुक्म दिया है कि जमात खड़ी होगी तो फिर भी पुरवकार तरीके से चल के जाओ, भाग के ना जाओ। तो ये तो फिर रोज़ा है, इफ्तार करना है तो मतलब